हम सबका हमारा पहला रमज़ान है। जो शादी के व्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा ईद के बाद। मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। धनिया माशाल्लाह कितना ज़्यादा हुआ हुआ, ये चेक करें ज़रा, ये खेल रहा है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज पहली सहरी है, पहला रोज़ा है आज। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि इस घर में हमारा हम सबका हमारा पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा मेरा आज इस घर के अंदर। अल्लाह पाक का लाख करोड़ दफ़ा अगेन दोबारा शुक्र अदा करूँगा मैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस प्यारी रहमत और नेमत से हमें नवाजा। ये अल्लाह पाक की नेमत से ही है कि बड़ों का प्यार है। और इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह पाक मेरे बड़ों को हम पे सलामत रखे, ताकि इसी तरह हम अपने ड्रीम पूरे करते रहें। अब्बा जी और स्पेशली बड़े भाई, अल्लाह पाक इन सबको लंबी ज़िंदगी दे और हम पे और हमारे साथ पे इनका साया सलामत रखे। और इंशाल्लाह हमारे गोल्स हम अचीव करते रहें। ये भी गोल अब्बा जी का था, हमने जो मैंने और भाई ने मिलकर हमने अचीव किया। और इंशाल्लाह अब्बा जी का एक और गोल है, वो भी ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह वो भी हम ज़रूर अब्बा जी का गोल अचीव करेंगे। और उस पर हम बिग सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले घर के और बहुत ज़्यादा काम करने वाले जो मैंने रोक दिए थे, अभी इंशाल्लाह सारे स्टेप बाई स्टेप अभी वो स्टार्ट करने हैं, क्योंकि भाई की शादी करके अभी हम फ्री हुए थे। तो इस वजह से खैर अभी सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। और मैं व्लॉग भी तकरीबन कुछ फोर मंथ के बाद मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, 4 महीने बाद जाके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ दफ़ा शुक्र कर, अल्लाह पाक ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया अपने गुनाह बख्शिश करवाने का, हमें ये सादत हासिल करने का, हम फिर एक दफ़ा माह रमज़ान के रोज़े रखें और सवाब हासिल करें। खैर अभी आज फर्स्ट सहरी है और मैं भाई इस टाइम आ चुका हूँ भाई लॉन में, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। अभी भी हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, आज वैसे भी बारिश हुई थी और ये आपको हल्की सी आपको ये फॉग नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी भी मौसम हुआ चेंज, लेकिन इस साइड पे अभी भी फॉग थोड़ी थोड़ी फॉग सी है, हल्की हल्की फॉग आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर जी अभी हमारी सहरी, हमने अभी लस्सी ली है और साथ स्लाइस ली है। आज अभी फर्स्ट सहरी है तो अभी हल्का सा बस खाएंगे। अगर अब पहली सहरी अगर हम ज़्यादा खा के बीमार हो गए तो बाकी रोज़े नहीं रख पाएंगे यार। अब सबकी सहरी हो चुकी है, बस मैं ही रह गया था। और इंशाल्लाह हम व्लॉग्स वगैरह शूट करें, कोशिश करेंगे कि हम व्लॉग्स शूट करें, क्योंकि भाई की शादी के व्लॉग अभी मैंने एडिट करने हैं और एडिट करके मैं रख लूँगा इंशाल्लाह, वो ईद पे अपलोड करूँगा। और उसके अलावा जो ट्रिप है लाहौर टू सवात वैली का, और उसके अलावा मरी का, और उसके अलावा इस्लामाबाद का, वो भी मैं एडिट करके रख लूँगा इंशाल्लाह। वो जो ट्रिप्स के जो व्लॉग्स हैं वो मैं अपलोड करूँगा ईद पे, और जो शादी के व्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा ईद के बाद, क्योंकि अभी रमज़ान है तो रमज़ान में शादी के व्लॉग्स मैं अपलोड नहीं करूँगा, एडिट करके मैं रख लूँगा। ठीक है चलो जी, मैं तो अभी खा लिया, अभी मैं जा रहा हूँ भाई गार्ड को देने के लिए। ये देखें और भाई बहुत ज़्यादा फॉग है, और मेरे ख्याल से गार्ड को ना किसी ने पहले भी दे दिया, वो भी खा रहे हैं को नहीं, अभी वो लस्सी पी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी खाना खा रहे थे, हेलो फिर अभी फाड़ो लस्सी गई जी तो नाल वो भी फाड़ लो सलाइस भी। ये बहुत कंसेप्ट है ना कि भाई वो पंजाबी में कहते हैं भाई कोठियाँ वाले नाल दे पूछते नहीं गए, लेकिन मैंने सबसे जो 5-6 हम यहाँ पे नेबर्स हैं, तारक भाई हो गए, अमजद भाई हो गए, और आगे का है उस्मान भाई लॉयर है, और हम सब ने ना यही डिसाइड किया था कि भाई वो सिस्टर हमने यहाँ पे नहीं करना, हम सब इंशाल्लाह मिलजुल के रहेंगे। देखिए इधर माशाल्लाह अब्बा जी ने ये लगाई हुई हैं जी मूलियाँ, ये चेक करें, बाहर तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा खाई है मैंने वहाँ से तोड़ तोड़ के। और ये लगी हुई है जी गोभी के पौधे, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इधर लगा हुआ जी इधर आइसबर्ग लगा हुआ है, और ये धनिया लगा हुआ है, फिर उसके अलावा पुदीना भी इधर लगा हुआ था, पुदीना किधर गया, पुदीना भी इधर लगा हुआ था, ये लगा हुआ जी पुदीना। माशाल्लाह सारा कुछ घर का फ्रेश ही है जी, और बाई सब्जियां लगी हुई हैं, आपको सब्जियां जगह दिखाते हैं। और इधर चेक करें जी, ये असलम साहब लगे हुए हैं जी प्लसर करने के लिए। अब ऐसा ऐसा ना रूटीन सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोता हूँ सुबह के टाइम तकरीबन 8-9, मुझे 8-9 बज जाते हैं। सुबह सोने के बेसिकली रीज़न ये है, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों को भी मैंने उस वर्किंग पे लगाया हुआ है, और माशाल्लाह वो भी उससे अर्न कर रहे हैं। फिर सुबह सोता हूँ 9 बजे तो भाई फिर जोहर की नमाज़ मेरी गुजर जाती है, आज मेरी जोहर की नमाज़ मेरी गुजर गई है, तो अभी कल से इंशाल्लाह अपनी रूटीन सेट करते हैं। अमजद भाई की जो ग्राउंड है ना, पार्क है, बाहर वाली से हमारी है,
इस तरफ वाली, उस तरफ को बनवा रहे हैं। और रमजा भाई का सारा इस सारा मटेरियल बाहर पड़ा हुआ है, ऐसा करें अभी ये दीवार का सारा प्लस्तर वगैरह किया उन्होंने। और वो आ गया भाजी लगे हुए, एक दो फल लेने, वो तो इधर से जाऊँगा, सामने काफ़ी ज़्यादा फल वाले लगे हुए हैं, रेटियाँ लगी हुई हैं। वो सामने चौक है, उस तरफ जाके फल लेके आते हैं, बहुत पैदल जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अब्बा जी ने काफ़ी सब्जियां यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये देखो मूलियाँ हैं, मैंने आपको बताया था ना बाहर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। ये देखो धनिया माशाल्लाह कितना ज़्यादा हुआ हुआ, ये कितना ज़्यादा धनिया है ये, और वो पुदीना माशाल्लाह, और वो वहाँ पर अभी न्यू सब्ज़ियाँ अब्बा जी ने लगवाई हैं। ये अभी मैं सामान ले के आया हूँ, ये सामान भी मेरे हाथ में ही है, ये चेक करें ज़रा, खेल रहा है, फुल मस्ती के मूड में है ये। इसको भूख लगी हुई है, अंदर से कुछ लेके आता हूँ, डालता हूँ इसको। चल 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 काम देखिए जरा, सारे घर वाले अंदर लगे हैं किचन के अंदर, और ये बाय टीवी को ना मारी जा रहा है चीज़ें, चेक करें ज़रा क्या कर रहा है। ओह अपनी मस्ती में, उसको पता पीछे कौन, पीछे कोई खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ है। एक इधर है और एक वो देखे, एक वहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहा है, वो टैब पे जो कि अच्छा करेक्टर वो बन रहा है उसने देख ली। ये चेक कर ये अनश, पकड़ लो अनश को, पकड़ 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 लो अनश को, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, वाह आ गया आ गया आ गया आ गया। हम जा रहे हैं जॉगर लेने के लिए, क्योंकि वो तो हम पैदल नहीं जा सकते, वो हम जाएंगे बाइक पे, थोड़ा सा दूर है। पास में इधर हैं दही वाली शॉप, लेकिन उसकी दही ना मुझे अच्छी नहीं लगती। ये आगे ही बिल्कुल हमारे वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे दही अच्छी है। मेन पार्क है हमारी सोसाइटी की यहाँ की, और बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाई है इन्होंने। वो मस्जिद बन रही है यहाँ की मेन, और ये पार्क है जी। और स्पेशली मुझे इसका जो खूब जो ट्रैक है ना, ये बहुत खूबसूरत है, इसका ट्रैक लगा रनिंग ट्रैक जो है, और बच्चों के लिए भी इन्होंने एक एरिया बनाया है, वो साथ में प्ले एरिया है बच्चों के लिए। अभी पता नहीं मोबाइल में किस तरह का ये इसका कैप्चर हो रहा है, लाइव देखें इसको तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये पार्क है। आपको बच्चों वाला दिखाता हूँ मैं इसका। हमारा जो मेन रोजेदार है ना, वो सबसे पहले चला गया था, वो दुखद दरवाजा बंद कर रहा है, ओए जल्दी बच्चे जल्दी बच्चे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। वाह चला, क्या कर ले जी? बड़े पापा कहाँ हैं? बड़े पापा, ओए बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए। ये जी हमारी टेबल यहाँ पे माशाल्लाह फर्स्ट रोजे की लग चुकी है। मैंने घर वालों को सख्ती से बोला था कि फ्राई की चीज़ें बहुत कम बनानी है, लेकिन उन्होंने फिर ज़्यादा बना दिए। नहीं, सबके घर होता है कि अफ्तारी में ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, लेकिन हमारे घर वाले जी डाइट पे, तो मैंने बोला कि डाइट ख़राब नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें रोज़ा अफ्तार करनी है। बाकी जो नेबर्स हमारे दो की तरफ से हमें इन्विटेशन आ चुका है रोज़ा अफ्तारी का, और बाकी मैंने घर वालों को बोला कि उनको भी हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। अभी बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, एक मिनट रह गया रोज़ा अफ्तारी का, अब्बा जी को फ़ोन करते हैं, अब्बा जी बाहर है, और फिर हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, हमारा फर्स्ट रोज़ा हमारे इस न्यू घर में अल्हम्दुलिल्लाह।